बीजेपी के नेता, राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, दौसा की टिकट फाइनल हो गई है, जसकौर मीणा को गई है। आपके परिवार से भी दावेदारी थी, गोलमा देवी के लिए आप लोग टिकट की पैरवी कर रहे थे, अब क्या स्थिति रही? देखो, गोलमा देवी के लिए मैं पैरवी इसलिए कर रहा था कि उनको विधानसभा के चुनाव में ऐसी जगह फंसा दिया गया वसुंधरा जी द्वारा, जहां वो जाना ना नहीं चाहती थी, लड़ना चाहती थी, षड्यंत्र के लड़ना नहीं चाहती थी, और षड्यंत्र के कारण वो हार गई। तो हारने के बाद पूरे ईस्टर्न राजस्थान में एक सहानुभूति थी कि गोलमा हार गई, बड़ा गलत हुआ है भाई, इनको टिकट मिलना चाहिए, और जनता का मन बना हुआ था। उस दृष्टि से नाम रखा था, पार्टी ने नहीं कंसिडर किया, पार्टी में हमने हमारा पक्ष रख दिया था। और जब ये सर्वे सारी चीजें अनुकूल आई तो वसुंधरा जी ने फिर वीटो लगा दिया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल के कहने से टिकट दिया तो मैं काम नहीं करूंगी। तो हमने कहा भाई, वो काम नहीं करें उसका नुकसान होगा, आप टिकट दो किसी को, हम काम करेंगे, मैं करूंगा, गोलमा करेगी। नहीं तो इस तरीके का वीटो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी लगा सकते थे। मेरा एक संस्कार है, मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बचपन से संघ की शाखा में खेला हूँ, और हमने संघ की प्रार्थना में गाया करते थे, परम वैभव भवन ने उत्तमे तत्व राष्ट्रम, राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना है, और परम वैभव पर गौरव राष्ट्र को दिलाने वाले नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, उसमें इन चीजों का कोई महत्व नहीं है कि मैं वैसे अड़ू जैसे वसुंधरा जी अड़ी है, वो अनैतिक है। लेकिन दौसा का टिकट सबसे आखिर में तय हुआ 25 सीटों में से, और इस सब के बीच में ये भी बातें आती रही कि आप में और ओम प्रकाश हुडला में गतिरोध है, बन नहीं रही, दोनों कैंप अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं, इन सब का फायदा जसकौर मीणा को मिला क्या? बेकार की बातें हैं, ओम प्रकाश हुडला कौन है, वो बीजेपी का सदस्य नहीं है, वो तो टिकट का दावेदार था। अरे वो कोई वसुंधरा जी का पैदा किया हुआ था, वो मोहरा था, उसके नाम से विवाद पैदा किया गया, उसका कोई ग्रुप नहीं, उसका कोई मवा से बाहर लेना नहीं देना नहीं, विवाद पैदा किया इसलिए कि मेरी बात को डिस्प्यूट में डाल दिया जाए। और उस ओम प्रकाश हुडला का टिकट इसलिए कटा विधानसभा का कि उन्होंने मेरे पे एक महिला से 376-354 में मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसको पुलिस ने झूठा माना। अब इसको गंभीरता से हाईकमान ने लिया और उसका टिकट काट दिया। मेरे जैसे व्यक्ति पर आप बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराओ, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराओ, और वसुंधरा जी उसको सपोर्ट करें टिकट में, तो वसुंधरा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी ऐसे सिद्धांतों की नहीं है। जिस ढंग से वसुंधरा जी बात करती हैं, उनको समझना चाहिए पार्टी के सिद्धांत, विचारधारा, संस्कार, मूल्य आधारित राजनीति, वो तो आडवाणी जी की चेली गई है, उनको आडवाणी जी से कुछ सीखना चाहिए। डॉक्टर साहब, लेकिन जब आपकी वापसी हुई थी पार्टी में तकरीबन 9.5 साल बाद, आपने भी कहा जहाज का पंछी जहाज पर आ गया है, वसुंधरा जी ने भी कहा मेरा बलवान कर्मठ कार्यकर्ता है, मेरा भाई है, लेकिन फिर ये अचानक नाराजगी सारी? कोई नाराजगी नहीं, मेरे काहे की नाराजगी, नाराजगी तो वसुंधरा जी की है। क्यों? जो हमने मना किया था, गोलमा लड़ना नहीं चाहती, चुनाव सपोर्टा वहां ले जाकर डाल दिया, और फिर बाद में जब चुनाव हार गए ईस्टर्न राजस्थान में, तो ये प्रचारित करवाया, 17 टिकट दिए, 22 टिकट दिए, सारे टिकट हार गए डॉक्टर किरोड़ीलाल के कहने से। मेरे कहने से तो कोई टिकट दिया नहीं, एक ही टिकट दिया था लालचोट का, जो भी लोगों ने मिलकर हराया इनके लोगों ने, तो वो ये कहना कि कोई टिकट दिए, हमारे कहने से कोई टिकट ईस्टर्न राजस्थान के सवाई माधोपुर दौसा करौली में कहीं भी नहीं दिए, ये झूठा है। और क्यों वो अचानक नाराज हुई, ये तो वो जाने, उन्हें नहीं कहा था मजबूत भाई है, सबल भाई है, समर्थ भाई है, लेकिन भाई को कहीं बहन ने साथ तो दिया नहीं, अब भी बहन ने वीटो लगा दिया, बहन क्यों नाराज है, बात करेंगे। तो क्या भाई काम करेंगे पार्टी के लिए और बहन के लिए? बहन के लिए तो काम नहीं करूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा। डॉक्टर साहब, गोलमा देवी भी दावेदार थी, अब जसकौर मीणा को टिकट मिल गया है, दोनों में से बढ़िया कैंडिडेट कौन होता है और जिताऊ कौन है? देखो, मेरे व्यक्तिगत चयन से काम नहीं चलता। नहीं, लेकिन आपकी भूमिका दौसा क्षेत्र में, अपन कुमार के बर्तन लेने जाते हैं तो ठोक बजा के देखते हैं,
पार्लियामेंट्री सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने सोच समझ के जसकौर जी को कैंडिडेट उतारा है, उनका काम करेंगे, बड़ा मन रख के काम करेंगे। लेकिन आपके कहने से तो, आपके विचार से तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो निर्दलीय रूप में सांसद रहे हैं, और निर्दलीय सांसद रहना लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी बात है। तो वो पार्टी में अपना मैंने पक्ष रख दिया था, जरूरी नहीं मेरे कहने से टिकट दिया जाए, पार्टी ने सोच समझ के टिकट दिया है। और ये बात सही है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और जसकौर जी 1999 में आई थी राजनीति में, तब भी मेरा टिकट कटा था, ये लड़ी थी, मेरा टिकट काट के इनको दिया था। 2008 में भी मेरा टिकट काट के इनको दिया था, विधानसभा का जीता मैं ही था, ये तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। और अब गोलमा मांग रही थी, उनकी जगह आ गई, कोई बात नहीं। जसकौर मीणा के लिए आप कह रहे हैं कि बड़ा मन रख के आप लोग काम करेंगे, लेकिन जसकौर कैंप के लोग कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी का मन बड़ा नहीं है, छोटे मन की बात करते हैं। जब जसकौर मीणा बीजेपी में शामिल होने वाली थी, तब भी कहा जाता है कि आपने मना किया, कि जसकौर को कहा कि आप तो अब समाज की मदर टेरेसा हो और आप समाज की सेवा का ही काम करो। अब आपको किसने कह दिया, क्या पता, जब तो प्रदेश अध्यक्ष गुलाब कटारिया थे तो उन्होंने शामिल किया था, तो मैंने तो विरोध तब भी नहीं किया, और अभी मैंने तो विरोध टिकट का नहीं किया। मैं तो टिकट मेरे गोलमा को जरूर मांगा था, अब ये मांगना तो मेरा अधिकार है, उसको आप विरोध क्यों मानते हो? मैं विरोध कर रहा था, मैं तो टिकट मांग रहा था, और मेरी ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने कोई उनका विरोध पार्टी एंट्री में किया हो। लेकिन इतना जरूर है कि किसी जनता की समस्या को लेकर दौसा में कहीं आई हो, कोई ज्ञापन दिया हो, ऐसा मेरे को कहीं दिखता नहीं। लेकिन अभी बात कहने की कोई तुक नहीं है, कुछ भी किया हो या नहीं किया हो, भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके लिए काम करेंगे। आपने टिकट वितरण से पहले पीएम से भी समय मांगा बताया, लेकिन कोई बातचीत बैठी आगे उसमें? नहीं, मेरे टेलीफोनिकली बात हो गई थी, मैंने बात रख दी थी। उन्होंने मेरे को कहा था अमित शाह जी से मिलो, तो मैं अमित शाह जी से मिला था, उनको भी पक्ष रखे आया था। लेकिन क्या दौसा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को साथ लिए बिना जीत संभव होगी पार्टी के लिए? नहीं, तो मेरे को कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, मेरे को साथ लेंगे ही, नहीं लेंगे तो भी पार्टी जीतेगी। कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कोई बीजेपी किसी व्यक्ति के से थोड़ी बंधी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चले गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में बैठ गए, लेकिन पार्टी का बड़ा तंत्र है, बड़ा संगठन है, एक विचारधारा है, पार्टी नहीं रुक सकती, व्यक्ति रुक सकता है। पर मैं भी वो हूँ जो रुकता नहीं हूँ, मैं सतत जनता से जुड़ा रहता हूँ, मैं जुड़ा रहूंगा, और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि पार्टी मेरे को कहाँ भेजती है, जहां भेजेगी वहां जाऊंगा, काम करूंगा। दौसा में काम करने की ज्यादा इच्छा है या दौसा से बाहर? जहां भी भेजेगी, बाहर भी, मध्य प्रदेश में करीबन 5 सीटों पर मीणा है, मध्य प्रदेश में भी जाऊंगा अगर भेजेगी पार्टी, राजस्थान में भी 8 सीटों पर मीणा बावलता है संसदीय में, जहां भेजेंगे वहां जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, दौसा से टिकट नहीं मिलने से मन तो खट्टा हुआ होगा? मन इससे खट्टा नहीं हुआ टिकट नहीं मिला, मन इससे खट्टा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी मूल्य आधारित राजनीति करती है, और वसुंधरा जैसी जो 10 साल तक सीएम रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो ऐसे व्यक्ति की वकालत करे जिसने मेरे खिलाफ बलात्कार का 354 का मुकदमा दर्ज करा दिया, इससे मन खट्टा हुआ है, इससे मन बिगड़ा है, इससे मैं टूटा भी हूं। ये वसुंधरा जी को विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लेकिन टूटे हुए डॉक्टर किरोड़ी मीणा कितने सक्रिय रहेंगे लोकसभा चुनाव में? मैं बहुत बार टूटा हूं, मेरे को अनेक बार तोड़ा गया है, लेकिन मैं हर बार खड़ा हुआ हूं, वैसे खड़ा हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने विरोध कराया, लेकिन पार्टी में ही एक धड़ा है जो कहता है कि वसुंधरा राजे को भी कुछ लोग कमजोर करने में लगे हुए हैं, दिया कुमारी का टिकट ले लें, हनुमान बेनीवाल से पैक ले लें, ये कुछ इसी के उदाहरण है? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है, वसुंधरा जी से ही आप पूछना, वसुंधरा जी ने ही दिया कुमारी को सवाईमाधोपुर भेजा था, तो उन्होंने विरोध क्यों किया उनका, वसुंधरा जी का? मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था, मैं भी पार्टी में आया, तो मेरा जब स्वागत किया सबल समर्थ भाई का, तो हनुमान बेनीवाल भी भारतीय जनता पार्टी में थे, वो आ गए, तो वसुंधरा जी को नहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई अजीब आता, कोई मानवेंद्र सिंह आता,
नहीं तो मानवेंद्र सिंह भी बीजेपी के थे। हाँ तो फिर तो आपत्ति करना समझ में आता था, लेकिन दिया कुमारी हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल के नाम पे आपत्ति करे तो वो तो वसुंधरा जी से पूछो क्यों कर रही है। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नाम पे तो 2008 में भी गतिरोध हुआ था, तब आप पार्टी छोड़ गए थे। ना मैं छोड़ के नहीं गया था, आप लोगों को गलत ध्यान है, मेरे को पार्टी से निकाला गया था। मैं पार्टी छोड़ के कभी नहीं गया, पार्टी से निकाला गया था और पार्टी से 10 साल बाहर रहने के बाद भी विचारधारा से नहीं भटका। अभी के पूरे घटनाक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर से कोई बातचीत हुई, उनसे कोई मदद की जरूरत पड़ी आपको? नहीं, बात तो मैंने सबसे की है, मैंने रामलाल जी से की है, गुलाब कटारिया जी से भी की थी, राजेंद्र जी राठौर से भी की थी, भूपेंद्र यादव से भी की थी, अमित शाह जी से की थी, ओम माथुर जी से भी की थी। पक्ष और बात समीकरण मैंने सबको बताया। मीणा समाज के वोटों पर आपकी अच्छी पकड़ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने भी एक रणनीतिक पहल की है, जनरल की 2 सीटों पर मीणा कैंडिडेट उतारे हैं, तो मीणा समाज ज्यादा उस तरफ जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखो ये मैं इसको गाली मानता हूँ, मीणा पे आपकी अच्छी पकड़ है, मैं तो हर समाज में पकड़ है। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, जाति का जहाँ कोई स्थान नहीं है विचार का स्थान है, तो हर जाति का कार्यकर्ता मेरे से जुड़ा हुआ है। पर कई बार मीणा समाज के दिग्गज नेता ऐसा बोलते हैं तो मेरे को अजीब सा लगता है। वो तो इसलिए थोड़ा आप लोग बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं कि मैंने 40 साल तक जो ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, ये धड़ा है जाति, उसको तोड़ के मैं बीजेपी में लाया हूं, जिसका परिणाम ये हुआ है कि जसकौर जैसी MP बन गई, कुंजीलाल बन गया, कुंजीलाल मीणा बन गया, अनेकों MLA बन गए, जहां से बीजेपी जीत के नहीं आती थी, और डॉक्टर किरोड़ीलाल जैसा आदमी निर्दलीय भी MP बन गया, और एक बार MP बना भारतीय जनता पार्टी तो प्रचंड मतों से जीत के गया। वो इसलिए है कि मैंने इस जाति को कांग्रेस मानसिकता से हटाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा। डॉक्टर साहब, अब बीजेपी में दो दो किरोड़ी हो गए, कर्नल बैंसला भी आ गए, तो क्या कोई फायदा मिलता दिखेगा, कितनी सीटों पर फायदा? बिल्कुल, 1/11 की ताकत हो गई, जब दो दो किरोड़ी हो गए, केवल भारतीय जनता पार्टी में किरोड़ी, और जगह तो लखपत भी नहीं है, हजारी लाल भी नहीं है, दो दो किरोड़ी लाल है तो काम होगा, अच्छा होगा। नहीं तो ये किरोड़ी वोट वाले हैं या पैसे वाले हैं? दोनों ही किरोड़ी वोट वाले हैं, दोनों ही कंगाल हैं, गरीब हैं, BPL की श्रेणी के हैं, वो फौजी है, मैं किसान हूँ और मार्जिनल किसान हूँ, पर दोनों ने काम, उन्होंने भी खूब समाज में काम किया है और मैंने भी पार्टी का खूब काम किया। तो लेकिन गुर्जर समाज में हलचल होने लग गई है, वो इधर आए, सरकार ने बातचीत बंद कर दी आरक्षण आंदोलन को लेकर, अब आरक्षण संघर्ष समिति ने कर्नल बैंसला को कमेटी से निकाल दिया है, संघर्ष समिति से, तो ये तो वो कांग्रेस का ओछापन है। आखिर संघर्ष तो बैंसला जी ने किया था, संघर्ष का प्रतीक तो बैंसला जी है, संघर्ष को उठाया तो उन्होंने ही था। अब इसलिए वो बीजेपी में चले गए और कांग्रेस वार्तालाप बंद कर दे तो ये तो उसको उसका ओछापन है। डॉक्टर साहब, क्या जसकौर मीणा को टिकट वसुंधरा कैंप में जाने के बाद मिला या और कोई कारण लगता है आपको? नहीं, हमारे यहाँ कोई कैंप नहीं है, हमारे यहाँ जो पार्टी है, लेकिन वसुंधरा जी यदा कदा धमकियां मार देती हैं, मैं पार्टी छोड़ दूंगी, पार्टी बना लूंगी, मैं काम नहीं करूंगी, तो वो उनका विचार एक कैंप है, इसलिए कुछ लोग वहां चले जाते हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी का टिकट घोषित नहीं हुआ है दौसा से, अगर गोलमा जी को टिकट देती है बसपा तो क्या आप अलाउ करेंगे? दूर दूर तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं है कोई कि हम बसपा से लड़ें या निर्दलीय लड़ें। पार्टी से जब हमें बाहर कर दिया था जब तो हमारी मजबूरी थी लड़ना, पर सवाल ही नहीं उठता। लेकिन गोलमा जी की स्वतंत्र आइडेंटिटी है, वो लड़ती हैं, तो क्या आप अलाउ करेंगे? हम पद के प्रति मोह नहीं है, हमारा प्रति राष्ट्र मोह राष्ट्र के प्रति है, विचार के प्रति है, भाजपा के प्रति है, मोदी जी के प्रति है। डॉक्टर साहब, मोदी को PM बनाने के लिए क्या जरूरी है, प्रदेश बीजेपी में किस तरीके से काम होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए, यही जरूरी, और क्या है? वो कैसे जीतेंगे? लेकिन अभी का जो माहौल है उससे लग रहा है कि आपको कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, दो दो किरोड़ी आ गए और वसुंधरा जी हैं हमारे पास, फिर क्या कमी है? गुलाब जी हैं प्रतिपक्ष के नेता। डॉक्टर साहब, बीजेपी में जब हमारी नेताओं से अलग अलग जगह बात होती है तो अलग अलग बातचीत सामने आती है, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी को साथ लिए बिना दौसा और जो प्रमुख सीटें हैं 8 जो आपने बताई मीणा समाज के बाहुल्य वाली, उन पर पार्टी अच्छी
प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकती। कुछ कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद में आप चुका हुआ कारतूस हो गए। हाँ, कारतूस तो एक बार इंदिरा गांधी भी बनी थी फूका हुआ, वसुंधरा जी भी 80 में चुम फूक गई थी, धौलपुर से हार गई थी, जो 10 साल सीएम रह गई। आज आपने पढ़ा है, पहले अशोक गहलोत भी चुनाव हार गए थे, कई दिग्गज नेताओं के नाम भास्कर पढ़ना। मैं कम से कम मैं फूका हुआ कारतूस नहीं हूँ, सदा जनता के बीच में रहने वाला, उनके लिए लड़ाई लड़ने वाला हूँ। जो इन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, जो आए हैं, वो फूके हुए हो सकते हैं, जिन्होंने एक ज्ञापन तक जनता की समस्या को लेकर नहीं दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल तो तोप का गोला है, जब चलेगा वहां बालाकोट जैसी घटना होगी। लेकिन आपके समर्थक आपको, आप पद के प्रति मोह नहीं है ऐसी बात करें, लेकिन आपके समर्थक आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अरे वो सपने देखने से कुछ नहीं चलता। नहीं, सपने देखने के लिए क्या, भीड़ देखी है हमने शिप्रापत के मैदान पर जब 2 अक्टूबर का आंदोलन हुआ। हाँ तो भीड़ है, भीड़ तो कई बार काम कर जाती है, कई बार नहीं कर पाती। अभी मोदी जी की सभा थी बहुत बड़ी हमारे नांगल प्यारीवास में, 5 लाख लोग थे, लेकिन सारी भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं हुई, हम 5 सीट हार गए। अब सर, आपके समर्थकों का ये भी कहना है कि कई बार आपकी आंखों में पानी आ जाता है, तो क्या ये नमी टिकट के कारण है या कोई और बात है? अरे मेरे तो बीमारी है, मेरा लैक्रिमल डक्ट है वो ब्लॉक हो रही है, तो आंसू आते रहते हैं, वैसे आंसू पिए बहुत हैं, तो हो सकता है कि अब जबरदस्ती निकल रहे हों। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो कह रहे थे उन्होंने आंसू पिए बहुत हैं, तो हो सकता है अब कुछ आंसू जरूर निकल रहे हों। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा चुका हुआ कारतूस नहीं है, बल्कि तोप का गोला है, और कभी जरूरत हुई तो बालाकोट जैसी घटना में फिर काम में आएंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।